कल्पना कीजिए एक ऐसे हमसफर की जो हमेशा आपके साथ तो हो लेकिन आप उसे छू न पाए। वो आपके साथ शॉपिंग पर तो जाए लेकिन आपके शॉपिंग बैग्स न उठा पाए, न किचन में आपकी मदद कर पाए और न घर का दरवाजा ही खोल पाए, न आपको कोई तोहफा दे पाए और न ही आपके गले लग पाए। शायद आप में से कोई भी ऐसे हमसफर की कल्पना नहीं करता, क्योंकि इंसान साथी के रूप में एक कंधे की उम्मीद तो जरूर करता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो ऐसे हमसफर से भी खुश हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में सब कुछ संभव नजर आता है। AI इंसानों की कल्पनाओं को साकार कर रहा है। मुझे ही देख लीजिए, मैं खुद एक AI एंकर हूँ। AI से न सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाए जा रहे हैं, बल्कि लोग अब AI तकनीक में रिश्ते भी ढूंढने लगे हैं। बार्सिलोना की एक मल्टीडिसिप्लिनरी आर्टिस्ट अलिसिया फ्रामिस दुनिया की पहली महिला है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने होलोग्राम से शादी करने जा रही है। होलोग्राम को आप एक साया या परछाई समझ सकते हैं, यानी अलिसिया इंसान नहीं बल्कि इंसानी साये को अपना हमसफर बनाने जा रही हैं। अलिसिया का ये वर्चुअल पार्टनर उनके बनाए डिजाइन का होलोग्राम है, जो शारीरिक तौर पर भले ही सामने न हो लेकिन भावनात्मक तौर पर हमेशा उनके साथ होगा। अलिसिया ने अपना AI पार्टनर अपने पिछले रिलेशनशिप्स के डेटा के आधार पर बनाया है। उन्होंने इसका नाम AI लेक्स रखा है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में अलिसिया को अपने AI पार्टनर के साथ बैठकर बातें करते, खाना खाते और घर का काम करते हुए देखा जा सकता है। एक वीडियो में दोनों साथ खाना खा रहे हैं और दूसरे वीडियो में दोनों किचन में हैं। महिला बाकी काम कर रही है और होलोग्राफिक पार्टनर बर्तन धोता नजर आ रहा है। हालांकि जो काम AI लेक्स कर रहा है वो असल में नहीं हो रहा है, वो आभासी है। अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए अलिसिया इंसान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंटेम्पोरेरी आर्ट के बीच के इंटरेक्शन को दर्शाना चाहती हैं। उनका कहना है कि AI साइंस से तो गहराई से जुड़ा हुआ है लेकिन उसमें पोएट्री, आर्ट और अपनेपन की कमी है। अलिसिया फिलहाल अपनी शादी की तैयारियां कर रही हैं, जो इस साल गर्मियों में रॉटरडैम के एक म्यूजियम में आयोजित की जाएगी। अलिसिया अपनी शादी की ड्रेस डिजाइन कर रही है, साथ ही वो मोलेक्युलर फूड पर भी काम कर रही है जो उनकी शादी में सर्व किया जाएगा। इस खाने का आनंद इंसान और ह्यूमनॉइड्स दोनों ले सकेंगे। अलिसिया का मानना है कि रोबोट्स और होलोग्राम बेहतरीन साथी हैं और सहानुभूति व्यक्त करने में सक्षम हैं। जिस तरह फोन ने हमें अकेलेपन से बचाया है और हमारे जीवन के खालीपन को भर दिया है, उसी तरह घर में होलोग्राम का होना इसे और भी आगे ले जा सकता है। ChatGPT जैसे टूल्स ने इंसानों और मशीन के बीच बातचीत को बढ़ाया है। चैट ही नहीं, वर्चुअल एवेटार्स भी उपलब्ध हैं, जिनसे रोमांटिक बातें भी की जा सकती हैं। अलिसिया का कहना है कि जिन लोगों को साथ चाहिए उनके लिए AI एक अच्छा ऑप्शन है।